सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय थ्री बैट्स फोर बॉल्स 3900 रुपीज में, लेटर शी बाय अनदर बैट एंड थ्री मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड 1300 रुपीज में, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। देखिए इसमें क्या है, बैट और बॉल है दो चीजें, इनके रेट की बात है, तो इनके रेट हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल एक्स रुपीज है, वन बैट वाई रुपीज है, हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हमें, थ्री बैट एंड सिक्स बॉल्स, सिक्स बॉल्स हैं, सिक्स एक्स प्लस थ्री बैट्स इज इक्वल टू 3900, और वन बैट एंड थ्री बॉल्स, वन बैट है थ्री बॉल्स हैं, थ्री बॉल्स के 3x हो गए और वन बैट का y हो गया, ये 1300 है। ओके तो अभी इन दोनों इक्वेशंस को हमने, ये तो हो गया अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, अभी इनको हमने क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली इसको कैसे करेंगे, अब जो पहली इक्वेशन थी हमारी क्या थी, 6x प्लस 3y इक्वल टू 3900, तो इसकी हम वैल्यू निकालेंगे x और y की। अब इसमें या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की निकाल लीजिए, पहले लेट हम निकालते हैं 6x इज इक्वल टू ये, तो x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 6x तो वही है, तो इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो 1300 माइनस वाई बाय टू ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इसको ग्राफिकली कैसे, इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी वैल्यूज निकालेंगे। अब यहां पे आप वाई की वैल्यू रखिए, अगर यहां वाई की वैल्यू आपकी जीरो होती है तो 1300 बाय टू आ गया, यानी 650 एक्स हो गया। अगर यहां पे वाई की वैल्यू 1300 रख देते हैं हम, तो हमारी यहां क्या आ जाएगी, 1300 माइनस हो गया, जीरो आ गया। अगर वाई की वैल्यू 650 आती है तो ये क्या आ जाएगा, 650 इधर, तो ये आ गया 325, तो हमारे तीन वैल्यूज हो गई। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पे, दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1300, यहां से भी हम वही करेंगे, यहां हम क्या करेंगे, y के x की वैल्यू निकालते हैं, 3x इज इक्वल टू 1300 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस वाई बाय 3, इसकी भी वैल्यूज निकालेंगे, x एंड y। अब अगर इसमें हम y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगी, क्योंकि 1300 और 3 डिवाइड नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, इसकी जीरो नहीं रखते, हम कुछ और रख लेते हैं, मान लीजिए हम 100 रखते हैं x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 100 रखते हैं, तो 1200 हो गया, 1200 इसमें माइनस होगा डिवाइड बाय 3, 400 आ गया। अगर x की वैल्यू हम, सॉरी y की वैल्यू 400 रखते हैं तो 9 बच गया 900, तो ये 300 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू हम 1300 पूरा रख देते हैं तो जीरो हो गया, तो यहां जीरो आ जाएगा। तो अभी हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां ग्राफ बना लेते हैं हम, तो ये हमने ग्राफ बना लिया, ये हमारा x एक्सिस है, ये है वाई, ये वाई डैश होता है और ये x डैश। तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स, जो x इसमें क्या है 650, यानी 1 2 3 4 5 6, 650 यहां आ जाएगा बीच में, 6 और 7 के बीच में, ये 6 है ये 700 है। यहां पे y 0 होता है, तो y 0 है तो यही आ गया हमारा पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट था 0 1300, x 0 है y 1300 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गया हमारा पॉइंट, ये वाला, दो पॉइंट्स हो गए।
तीसरा पॉइंट है 325 एंड 650, 1 2 3, 325 यहां आएगा और 650, 1 2 3 4 5 6 यहां पर। देखिए तीनों पॉइंट हमारे इसमें लाइन में आ गए, इनको हम मिला लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड ₹160, आफ्टर मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स वर 300, रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हम इसमें क्या करेंगे, एप्पल और ग्रेप्स की कॉस्ट 1 kg की लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, हमने मान ली एक्स, और 1 kg ग्रेप्स वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160, यानी 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 150 बन जाएगा। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये तो हो गया इसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अभी हम करेंगे ग्राफिकली, उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन के हमें पॉइंट्स बनाने हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 था हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 160 माइनस वाई, तो एक्स इज इक्वल टू 160 माइनस वाई बाय 2। इसके पॉइंट्स लेते हैं एक्स एंड वाई, अगर हम वाई 0 ले लेते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा 80, अगर y 160 ले लिया तो x कितना हो गया 0, अगर y हम 100 ले लेते हैं तो x 30 हो जाएगा। सेकेंड क्या था, सेकेंड इक्वेशन हमारी थी 2x प्लस y इज इक्वल टू 150, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 150 आ गया हमारे पास। तो यहां 2x इज इक्वल टू 150 माइनस वाई, तो एक्स इज इक्वल टू 150 माइनस वाई बाय 2। इसके पॉइंट्स बनाएंगे, अगर वाई 0 होता है तो वैल्यू आ गई 75, अगर वाई 150 होता है तो वैल्यू आ गई 0, अगर वाई 50 होता है तो वैल्यू आ गई 50, यहां वैल्यू रखनी है आपने। तो ये हमारे दोनों पॉइंट्स आ गए, तो अभी इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, अभी इसमें फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट थे वो क्या थे, x 80 एंड y 0, x 80 यहां होगा 8th पॉइंट पे और y 0, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये x है, ये y, दिस इज y डैश एंड दिस इज x डैश। सेकेंड पॉइंट है 0 160, x 0 है और y 160, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, ये पॉइंट आ गया हमारा। और थर्ड पॉइंट है वो एक्स 30 ये है और वाई 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो इन तीनों को अभी हम एक पॉइंट में मिला लेते हैं। देखिए तीनों हमारे एक लाइन में आ गए, और सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स थे वो हमारे क्या हैं, x 75 है, 1 2 3 4 5 6 7, 75 यहां आ जाएगा, और y 0 था तो पॉइंट यही हो गया हमारा। सेकेंड है 0 150, x 0 है, y 150 यहां होगा, इन दोनों के बीच में 15 और 16 के। और थर्ड पॉइंट है 50 50, x 50, 1 2 3 4 5 यहां, और वो 50 कहां होगा, 1 2 3 4 5 यहां। तो ये तीनों पॉइंट्स भी हमारे एक लाइन में हो गए, बिल्कुल इस लाइन के साथ, देखिए ये। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी
ये तो हो गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 की, सॉरी 160 की, और नीचे वाली हो गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 की। तो ये दोनों बिल्कुल पैरेलल आ गई, तो ये हमारी दोनों की इक्वेशन हो गई अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। तो यही हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। 3.2 के साथ जल्दी वापस मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हम ये सेकंड जो लाइन है हमारी उसकी लाइन के पॉइंट्स बना के, ये पॉइंट्स है हमारे, हम ये सेकंड लाइन बना देंगे। तो ये हमारा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये ऐसे ही हमने थर्ड क्वेश्चन में भी करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी।